चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी। एक समय की बात है, मदनपुर गांव में शंकर नाम का एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी और उसका एक बेटा था जिसका नाम विजय था। वह अपने परिवार का पालन पोषण अलग अलग गांव में जाकर पूजा अर्चना करके करता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर से गरीबी दूर नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से दो वक्त के खाने का इंतजाम हो पाता था। शंकर अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान रहता और सोचता रहता कि आखिर मैं क्या करूं? मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन घर की गरीबी दूर नहीं होती है, तो आखिर मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर आप ही कोई रास्ता दो, आप कोई ऐसा चमत्कार कर दें जिससे मैं और मेरा परिवार हंसी खुशी और सुख शांति से रहने लगे। तो ऐसे ही एक बार शंकर पास के ही गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो शंकर जहां से आवाज़ आ रही थी, अरे इधर किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मुझे इधर जाकर देखना चाहिए आखिर कौन है। तो शंकर जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, तो वह ब्राह्मण उसी आवाज़ की तरफ गया, तो देखा आगे कि एक बूढ़ी औरत कीचड़ में फंसी हुई थी। वे बहुत मेहनत करने के बाद भी उस कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। तो शंकर ने बूढ़ी माँ को एक रस्सी के सहारे कीचड़ से बाहर निकाला। फिर शंकर ने पूछा, माँ जी आप यहाँ कैसे फंस गई और यहाँ क्या करने आई थी? तो वे बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं यहाँ लकड़ी लेने आई थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ में जा गिरी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जो तुमने मुझे बाहर निकाला, परंतु तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो बेटा, बताओ। तो शंकर कहने लगा, अरे माँ जी मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके बड़ी मुश्किल से दो वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। भगवान पता नहीं मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मेरे घर की गरीबी दूर ही नहीं होती। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, भगवान पर भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। और इतना कहकर वे बूढ़ी औरत अपनी लकड़ियों का गट्ठा लेकर वहाँ से चली जाती है। शंकर भी वहाँ से कथा वाले घर जाता है। और जब वे लौट रहा होता है, तभी अचानक उसकी नज़र एक चमचमाती वस्तु पर पड़ती है। अरे ये कैसी वस्तु है, ये तो बहुत चमक रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए आखिर ये क्या है। तो वह ब्राह्मण चमकने वाली वस्तु की तरफ जाता है। तो वहाँ पर जाकर देखता है कि वह एक घड़ा था जिसमें बहुत सारा सोने का सिक्का भरा हुआ था। शंकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और भगवान को धन्यवाद कहता है, आपको कोटि कोटि ईश्वर, आपने मेरी विनती सुन ली, मुझे कितना कीमती घड़ा मिल गया, अब मैं इस घड़े को ले चलता हूँ। तो वह ब्राह्मण उस घड़े को एक कपड़े में बांधकर घर ले जाता है और घर जाकर लक्ष्मी को सारी बात बताता है। तो लक्ष्मी बोलती है, यह सब बूढ़ी अम्मा की वजह से हुआ है, वे हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई। धीरे धीरे समय बीतता गया और शंकर एक संपन्न अमीर ब्राह्मण बन गया था। यह देखकर बहुत से गाँव वाले उनसे जलने लगे और सोचने लगे उनके बारे में भला बुरा, अरे यार ये शंकर इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया, कुछ समय पहले तक तो इसके पास दो वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था और आज देखो कितना अमीर बन गया है। हाँ यार तू तो बिल्कुल सही कहता है, लगता है इसे कुछ तो ज़रूर हाथ लगा है। उसी गांव में एक कालू नाम का व्यक्ति रहता था जो शंकर से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसने सारे गांव में बात फैला दी कि शंकर ने कहीं से चोरी की है, इसी वजह से इतने कम समय में वह इतना अमीर बन गया।
धीरे धीरे यह बात आग की तरह सारे गांव में फैल गई और सभी लोग शंकर को चोर कहने लगे। सभी सरपंच को जाकर शंकर को गांव से निकालने की बात बोले तो सरपंच ने गांव के लोगों को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, देखिए सरपंच जी, ऐसे किसी पर बेवजह आरोप लगाना सही नहीं है। पहले इसकी छानबीन की जाए कि आखिर शंकर इतने कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। यह निर्णय लिया गया कि शंकर का जो सबसे खास मित्र है शंभू, उसी को यह काम सौंपा जाए। ठीक है, यह काम तो मैं, शंकर का सबसे खास मित्र शंभू है ना, उसको बुलाओ। यस, ये सारी छानबीन की जिम्मेदारी शंभू को ही सौंपी जाएगी। जाओ शंभू को बुलाओ। फिर शंभू को बुलाकर शंकर के बारे में पता करने को कहा गया तो शंभू मान गया। शंभू शंकर का बहुत ही खास दोस्त था, परंतु वह एक लालची इंसान था। वह अक्सर शंकर के यहाँ जाता रहता था। एक दिन शंभू शंकर के घर गया और पूछने लगा, अरे यार शंकर, तू एक चीज़ बता, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? तूने इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं बताया। क्या तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता क्या? तो शंकर बोला, अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है यार शंभू, कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि तुझे यह सब बात बता सकूं। उसके बाद शंकर ने सारी बात शंभू को बतानी शुरू कर दी। फिर शंकर के द्वारा शंभू को पूरी बात बताने के बाद शंभू के मन में लालच आ गया, अरे वाह, इसीलिए तो ये शंकर इतना अमीर बन गया, चलो इस घड़े को मैं भी चलो इस घड़े से कुछ सिक्के मैं भी चुरा ही लेता हूँ, मैं भी अमीर हो जाऊँगा। फिर थोड़ी देर और बातें करके शंभू अपने घर लौट गया। फिर रास्ते में उसे कालू मिला तो कालू बोला, अरे भाई शंभू, कहाँ से आ रहे हो? लगता है अपने खास मित्र के यहाँ गए थे। तो शंभू ने कहा, हाँ सही, वहीं गया था, बस कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए गया था। अरे ऐसा क्या ज़रूरी काम था, बताओ तो। तो शंभू सोचने लगता है, अगर मैं इसको सब बात बता दूँ तो यह मेरे काम आ सकता है, बदले में इसे थोड़ा बहुत सोना दे दूँगा, वैसे भी यह चोरी चकारी के मामलों में बहुत आगे है। फिर उसके बाद शंभू कालू को सारी बात बताने लगता है। फिर दोनों निर्णय लेते हैं, देखो आज रात हम शंकर के यहाँ के घड़े को चुरा लेंगे, ठीक है, फिर कुछ प्रतिशत मुझे दे देना और कुछ प्रतिशत तुम रख लेना, फिर हम दोनों अमीर हो जाएंगे। फिर वे दोनों यही निर्णय लेते हैं और फिर उन्होंने वैसा ही किया। फिर वे दोनों रात के समय शंकर के घर चोरी करने के लिए गए। फिर घड़े को जैसे ही वे उठाने लगे तो अचानक घड़ा वहाँ से गायब हो गया। अरे ये घड़ा कैसे गायब हो गया यार, मेरे भी समझ नहीं आता ये घड़ा आखिर गायब कैसे हो गया, कहीं ये कोई जादुई घड़ा तो नहीं था? अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत तेज पीट रहा है। फिर उनको ऐसा लगा कि उन्हें कोई बहुत तेज मार रहा है और वे चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ से शंकर और उसकी पत्नी भी जाग गए और शंकर और पत्नी वहाँ आ गए तो देखा तो शंकर और कालू वहाँ पर थे। उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनकी बहुत ज़ोर ज़ोर से पिटाई की हो। तो शंकर बोलता है, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? लगता है घड़े को चुराने आए थे, परंतु यह घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है, यह चमत्कारी घड़ा है जो तुम जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के पास कभी नहीं आएगा। और शंभू, तुमको मैंने अपना मित्र समझा, परंतु तुमने इस दुष्ट प्रवृत्ति वाले कालू से मित्रता करके साबित कर दिया कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गाँव वालों को ना बुलाऊँ तो निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो अभी बुला लिया तो तुम लोगों का क्या हाल होगा, समझो? और हाँ, दोबारा यहाँ मत आना।
फिर उसके बाद कालू और शंभू ने कभी शंकर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। वे वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है, शंभू और कालू को उनके कृत्य का फल मिल गया था और वे भी सब सुधर गए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। धन्यवाद। तीन साधु। एक समय की बात है, एक बार एक शीला नाम की औरत अपने घर से निकली ही थी कि उसने घर के सामने तीन साधुओं को बैठे हुए देखे। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। बाबा, मैं आप लोगों को नहीं पहचान रही हूँ, बताइए क्या काम है, आप लोग कहाँ से आए? तो उनमें से एक साधु ने कहा, हमें भोजन करना है बेटी, हमें भोजन करा दो। तो शीला ने कहा, ठीक है, कृपया मेरे घर में पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तो उनमें से दूसरे साधु ने कहा, लेकिन पहले यह बताओ, क्या तुम्हारे पति जी घर में हैं? नहीं, वे कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, बस अभी थोड़ी देर में आ रहे होंगे। बेटा, फिर तो हम अंदर नहीं आ सकते, हम लोग तीनों एक साथ अंदर नहीं आ सकते। ठीक, अभी हम जा रहे हैं। फिर वे तीनों साधु वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद शीला के पति रमानंद वापस आ जाते हैं। फिर रमानंद को शीला उन साधुओं के बारे में बताती है। तो रमानंद तुरंत ही शीला को उन साधुओं को आमंत्रित करने के लिए कहती है। फिर शीला ने ऐसा ही किया, उसने उन साधुओं को आमंत्रित किया। जी, अब मेरे पति वापस आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश करिए। देखिए बेटा, हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। लेकिन बाबा, ऐसा क्यों है, आप लोग एक साथ क्यों नहीं प्रवेश करते हो, कृपया कारण बताइए। देखो बेटा, मेरी दाईं तरफ खड़े साधु का नाम धन है और बाईं तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। फिर शीला अतरज में पड़ जाती है और घर के अंदर चली जाती है और फिर साधुओं के द्वारा बताई गई बात को अपने पति रामानंद को बताती है। तो उसके पति रामानंद बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। क्यों ना हम सफलता को बुला लें, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हम तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर तक उनकी बहस चलती रही पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए और फिर अंततः उन्होंने निश्चय किया, देखो हम साधुओं से ये कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे वो आ जाए। फिर शीला झट से बाहर गई और उसने, देखो आप लोग में से धन और सफलता में से जो भी मेरे घर के अंदर आना चाहे वो आ सकता है। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। अरे अरे रुको, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो, रुको ना। तो उनमें से एक साधु ने कहा, देखो पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, धन और सफलता ये जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर अपने आप ही आ जाते हैं। इसलिए हमें आपस में हमें प्रेम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, प्रेम ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है। दोस्त का जवाब। बहुत समय पहले की बात है, दो मित्र गांव से शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण वो बीच बीच में रुकते और आराम करते। जब दोपहर में उन्हें भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया।
तो खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। पर थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने उसी टाइम एक पेड़ की टहनी तोड़ी और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा यात्रा शुरू की। मन मुटाव होने के कारण वो बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज़ आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। फिर आगे वाले दोस्त ने दलदल में फंसे दोस्त की तेज़ी से मदद की और उसको उस दलदल से बाहर निकाला। इस बार भी वह दोस्त कुछ नहीं बोला, उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और एक विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा। उसने लिखा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करते देख दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, यार भाई, जब मैंने तुम्हें पत्थर मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसके दोस्त ने कहा, देखो भाई, जब कोई तकलीफ़ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ़ को हमारे जेहन से बाहर ले जाएं। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेने चाहिए कि वो कभी भी हमारे जेहन से मिट ना सके। फिर, यार तू तो बड़े दिल वाला है यार मेरा दोस्त, तो आज से पूरी दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है यार मेरा, और आज के बाद दोनों कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। चलो हम अपनी यात्रा खुशी खुशी शुरू करते हैं। फिर वे दोनों पहले के जैसे ही दोस्त बन के आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली ये तो आपको पता चल ही गया होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।